टीआरपी के लिए कुछ भी करेगा छोटे पर्दे से बेहतर, ये बात कौन समझ सकता है। बिग बॉस 14 में 3 कंटेस्टेंट की एंट्री वाइल्ड कार्ड के जरिए 18 अक्टूबर को होने वाली थी, जिसमें शार्दुल पंडित और सपना का नाम तय था, लेकिन इन कंटेस्टेंट को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। वाइल्ड कार्ड एंट्री से जुड़ी ताजा अपडेट ये है कि अब वाइल्ड कार्ड एंट्री 23 अक्टूबर को होगी। वाइल्ड कार्ड एंट्री को पोस्टपोन करने की वजह सिद्धार्थ शुक्ला को बताया जा रहा है। वाइल्ड कार्ड एंट्री होने के साथ सिद्धार्थ गौहर और हिना को बिग बॉस 14 छोड़ना पड़ेगा, और गौर करें तो ये सीजन भी शो सिद्धार्थ का ही शो लग रहा है, ये बात सामने आ चुकी है। सिद्धार्थ शुक्ला की वजह से ही ये शो सुर्खियों में है, इसलिए मेकर्स नहीं चाहते हैं कि सिद्धार्थ को शो से बाहर जाने दिया जाए। सिद्धार्थ को शो में बनाए रखने की प्लानिंग मेकर्स बना रहे हैं। बिग बॉस 14 से जुड़ी ये भी चर्चा सामने आ रही है कि पुराने कंटेस्टेंट में आसिम रियाज, गौतम गुलाटी और रश्मि देसाई भी बिग बॉस 14 के गेस्ट के तौर पर हिस्सा ले सकते हैं। हालांकि इस खबर की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। वहीं बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट शेफाली जरीवाला के अनुसार शो सिर्फ सिद्धार्थ और निक्की चला रहे हैं। शेफाली बिग बॉस के 13वें सीजन में बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री पाई थी। शेफाली ने ट्वीट के जरिए लिखा है, ऐसा लग रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला और निक्की तंबोली ही शो को चला रहे हैं, आपको क्या लगता है। शेफाली जरीवारा तो सरा गुरपाल के इविक्शन से भी काफी निराश है। आपको बता दें, सीजन का पहला इविक्शन किया गया जिसमें सारा को घर से बेघर कर दिया गया। इस पूरे मामले में आप क्या कहना चाहते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।